हेलो एवरीबडी। सो द रीज़न बिहाइंड लाइक व्हाई आई वाज नॉट मेकिंग अ व्लॉग, लेट मी जस्ट शो यू दैट माय फीट। सो अनफॉर्चुनेटली देयर इज अ लिगामेंट फ्रैक्चर इन माय फीट एंड राइट नाउ आई एम अंडरगोइंग विद फ्यू ऑब्जर्वेशन ऑफ डॉक्टर्स। सो यस, इट इज़ इन प्रोग्रेस। हाउएवर लेट मी जस्ट कम बैक टू द कैमरा। हाउएवर आई एम स्टिल विजिटिंग दिस प्लेस बिकॉज ऑब्वियसली आई वॉन्टेड टू and एक मिनट। यस, सो सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड या द अपडेट इज लाइक कि आई एम बैक टू माई होटल, क्योंकि ऑब्वियसली मेरे से नहीं हो पा रहा था कॉटेज मेरे से नहीं हो पा रहा था वॉक, तो मैंने मम्मी को बोला, उन्हें मथुरा भी जाना था, तो आई सेड कि आप मथुरा चले जाइए, मैं नहीं जा पाऊँगा। एंड अब मैं बैक हूँ अपने रूम में एंड देखते हैं मिष्टी क्या कर रही आई है, क्योंकि आज मिष्टी अकेली थी, और देखते हैं उसको पता लग गया कि मैं आ गया। चलिए, मिष्टी ऑलरेडी न्यू दैट पापा इज हियर। हाय हाय, नो आई वाज हियर ओनली या हाय। सो लाइक मिष्टी इज सो एक्साइटेड। हाय मिष्टी, ओ माय गॉड मिष्टी, मैं मुझे लग रहा था मिष्टी रूम बहुत गंदा कर देगी, लेकिन फॉर्चुनेटली मिष्टी ने ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा था, लाइक और डिसेंटली माय मिष्टी वाज है। ओ माय गॉड मिष्टी, सो गुड, ये गुड गर्ल एंड यू विल गेट अ ट्रीट फॉर दिस, यू विल गेट अ ट्रीट फॉर दिस। पापा, यस पापा इज बैक फॉर यू। ओके चलो। हाँ जी हाँ, तो आपने देखा कि मिष्टी सुपर एक्साइटेड, तो मुझे चाट लिया अभी पूरा का पूरा। हाँ जी हाँ, तो ये आज इस रूम में अकेली थी, क्योंकि हम लोग गए थे और हम इसको नहीं ले जा सकते थे, ऑब्वियसली मार्केट की बात होती तो मैं इसे पक्का लेकर जाता, लेकिन मंदिर में अलाउड नहीं था, तो ऑब्वियसली मैं नहीं ले जा सकता था, तो मैंने इसे रूम में सेट किया था। और एक्चुअली वृंदावन कॉटेजेस बाय स्नेह शो, तो आई डोंट नो द फुल नेम, बट यस एक मिनट मिस्टर डोंट डू दैट बेबी। बहुत अच्छा ख्याल रखा उन्होंने, दो बार मिष्टी को विजिट किया और दोनों बार दे सेट की मिष्टी इज ऑल फाइन, तो बेसिकली उन्होंने मिष्टी का ध्यान रखा, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। चलिए अब फिलहाल लेट मी जस्ट गेट फ्रेशन अप एंड मैं करता हूँ रेस्ट। मम्मी और अभी जा रहे हैं मथुरा द्वारकाधीश टेम्पल, मीनवाइल मैं और मिष्टी करेंगे अपनी स्लीप पूरी। क्यों मिष्टी? चलिए बाय एवरीबॉडी। एंड आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है, हम लोगों ने लवीनू ने मेरे लिए मथुरा कवर किया है, तो मैं आप लोगों के लिए वापस से आ गया हूँ अपनी स्क्रीन पे, और मम्मी बड़ी खुश है क्योंकि मम्मी आई है अपने फेवरेट मंदिर प्रेम मंदिर में, जहाँ प्रेम वर्ड तो मम्मी के जीवन में है नहीं true, very true. डांटती रहती है हमेशा अपने बच्चों को, मगर हम प्रेम मंदिर आए हैं। जी हाँ, बहुत ही सुंदर मंदिर है, मैं आपको दिखाता हूँ। इतना खूबसूरत टेंपल, आई कांट इवन टेल यू, मुझे तो बहुत पसंद है प्रेम मंदिर, खूबसूरत लगता है ये पूरा सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ, और सच में एक यही जगह है जो रंग बदलती हुई मुझे बहुत खूबसूरत लगी, अदरवाइज़ रंग बदलते हुए मैंने लोग देखे हैं, और आप सब समझ पाएंगे व्हाट डू आई मीन टू से, लोग रंग बदलते हुए मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, मुझे लगता है किसी को भी नहीं पसंद होंगे, मगर हाँ ये बहुत प्यारी जगह है, बहुत प्यारा मंदिर है, जो आप देख ही सकते हैं रात को यहाँ पर होता है लाइट शो, लाइट के थ्रू इस मंदिर में की रौनक बढ़ जाती है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। एंड यस, देखिए आप भी लुत्फ उठाइए इस मंदिर को देखने का। किस्मत अच्छी थी तो मंदिर में एंट्री भी मिली, और 8:10 पर होनी थी आरती, तो लेट्स सी हम वो अटेंड कर पाएंगे या नहीं। आइए ये मंदिर एक देखने लायक जगह है, इट्स अ ब्यूटिफुल टेम्पल फ्रॉम इनसाइड एंड आउटसाइड, ट्रस्ट मी, और आप देख ही पा रहे हैं वैसे भी। आरती का मुहूर्त था तो सभी लोग और भक्तजन अंदर बैठे हुए थे, मैं और मम्मी भी यहाँ पर बैठ गए, लवीनू बाहर मेरे और मम्मी के जूते देख रही थी, और थोड़ी देर बाद मैं भागा और मैंने लवीनू को कहा तू भाग, एटलीस्ट तू भी आरती अटेंड कर, तो हम लोगों ने ऐसे शिफ्ट दी बिकॉज यहाँ पर जूतों की जगह नहीं थी। और अब आप देख सकते हैं आरती शुरू ही होने वाली है, चलिए मैं आपको दर्शन करवाता हूँ।
प्रेम मंदिर में के आइए, प्रेम मंदिर की आरती के आइए। अभी हम लोगों ने करा है प्रेम मंदिर कवर जैसा कि आप लोगों ने देखा, और अब फाइनली हम लोग चल पड़े हैं अपने गंतव्य स्थान की तरफ, दैट इज अपने कॉटेज की तरफ। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक अपडेट दे दूं कि आप लोग सोच ही रहे होंगे कि हम ई रिक्शा में क्यों हैं, तो जी हाँ, उसका रीजन ये है अभी का फिलहाल कि हमारे ड्राइवर भैया की थोड़ी सी उनकी तबीयत खराब, क्योंकि वो पिछले 3 दिन से रेगुलर ड्राइव कर रहे हैं और हम नहीं चाहते थे कि ऑब्वियसली वो उनकी तबीयत और खराब हो, एंड ऑब्वियसली ही नीडेड रेस्ट टू। तो हम लोगों ने बोला भैया आप जाइए, हम खुद अपना मैनेज कर लेंगे, इसीलिए हम अभी है ई रिक्शा में। और मम्मी आपको कैसा लग रहा है, आपको यार ठंड लग रही है? इस वक्त लग रही है, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, लाइक जैसे हम हिमाचल में रहते हैं और यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं, लाइक लवीनू ने तो सिर्फ ये शॉल ऑर्डर किया, उसने कुछ स्वेटर भी नहीं ऑर्डर का, और लिटरली यहाँ पे इतनी ठंड हमें तो नहीं लग रही, बट या ठंड है नॉर्मली आप सभी लोगों के लिए। चलिए अभी फिलहाल हम चलते हैं अपने रूम की तरफ और लेट्स सी हम आगे क्या कवर कर पाएंगे। आइए जी भैया, क्या हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर लवीनू, हैप्पी बर्थडे टू यू। मम्मी उठ तो जाओ, एक बार उठ तो जाओ, देख तो लो क्या आया, देखो तो कौन आया। मम्मी ये लवीनू के बॉयफ्रेंड्स है। हेलो, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, क्या है ताकि नहीं है वो, हैप्पी बर्थडे डियर लवीनू, हैप्पी बर्थडे टू यू। मम्मी उठी तो जाओ पहले, चल पहले तू पहले, थैंक यू, यू ईट इट मिस्टी, नो चल जी, थैंक यू मेरा बड्डा। इसको देख तू त्यौहार होकर बैठी हुई है, कि माखी मिलने आई थी मम्मी को भी दे दे। सॉरी भैया, थैंक यू सो मच। अच्छा तो माफ कर रही थी क्या, इसको दे दे ताकि कोई ना मांगा। जी हाँ, तो आज है 31 दिसंबर और हम लोगों ने मनाया, सेलिब्रेट किया सबसे पहले हमारी लवीनू का जन्मदिन, क्योंकि शी इज़ वेरी स्पेशल फॉर अस। एंड आप देख सकते हैं मिस्टी सो एक्साइटेड, केक को देख के इसको याद आ गया, अरे पापा ने तो मेरा भी केक कटवाया था। शी इज़ सुपर एक्साइटेड। मैंने सोचा कि हम लोग तो देखिए, मैं तो केक खाता नहीं हूँ टू बी वेरी ऑनेस्ट,
इसीलिए हमने आधा केक दिया भैया जी औरों को कि वो लोग भी खाए। एंड मम्मी बहुत थके हुए थे तो मम्मी ने तो देखो सोते सोते ही किया है लवीनो को विश। और अब कल क्योंकि लवीनो का है जन्मदिन का एक्चुअल डे, तो कल हम लवीनो को एक अच्छी और जगह लेकर जाएंगे।